ये जो पाकिस्तान, ये जो हम इंग्लैंड में देख रहे हैं तस्वीरें, ये कोई, अब बहुत से लोग कहेंगे कि इसके पीछे आप इस्लामोफोबिया कह दीजिए, लेकिन ये तस्वीरें जो आई हैं वहां पर, जिस तरह से जश्न मनाए गए थे जब वहां पर एक मुसलमान काउंसलर चुने गए, और उससे पहले हमने देखा है कि वहां जो मेयर हैं वो तो तीसरी बार हैं, सादिक खान जो लंदन के मेयर हैं, तो ये हो क्या रहा है वहां पर भी? एक ये जो हिंसा फैलाई गई है, इसमें ज्यादातर पुलिस स्टेटमेंट ने कहा कि पाकिस्तानी मूल के लोग थे। प्रेम कुमार जी, चरिता जी, देखिए जो जिस नजरिए से आप देख रही हैं, हो सकता है सही हो, और लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यूरोप के लोग किस नजर से हमें देखते हैं, ये कमिंग अप गलत। हाँ, पाकिस्तानी या एशियाई समूह के लोग सब एक ही तरीके से चित्रित देखे जाते हैं। आज अगर पाकिस्तान के लिए नफरत वहाँ फैलेगी तो कल हिंदुस्तान और श्रीलंका, बांग्लादेश, जो भी इधर से गए होंगे, वहाँ भी नस्लीय हिंसा का रूप लेगा। इसलिए ये खुश होने का समय नहीं है। अगर पाकिस्तान के लोग किसी धार्मिक वजह से, किसी और इस वजह से कि मध्य पूर्व में इंग्लैंड का क्या रुख है, इसलिए वहाँ की सरकार से असंतुष्ट हैं, तो ये प्रतिक्रिया बिल्कुल गलत है। लेकिन ये चिंताजनक है, क्योंकि इस प्रतिक्रिया का परिणाम एशियाई मूल के प्रति हिंसक व्यवहार में तब्दील हो सकता है। हमारी चिंता यहाँ पर जी बिल्कुल सही, आप आपकी चिंता हमारी चिंता है। हम इसीलिए कहते हैं कि जो वहाँ हो रहा है, जब आप वहाँ के जो बाहर रहने वाले लोग हैं, जो बाहर सब कॉन्टिनेंट मूल के लोग हैं, उसमें भारतीय भी है, बांग्लादेशी भी है, पाकिस्तानी भी है, लेकिन उसका जो वहां पर पाकिस्तानी मूल के लोग कर रहे हैं उसका असर भारतीयों पर भी पड़ेगा। सुशील जी, आज एक बड़ी ब्रॉडर डिबेट है कि जो कुछ हो रहा है, और हम तो भारत में कब से ये देख रहे हैं, अब वहां ब्रिटेन में भी, उसके पीछे भी पाकिस्तान, या बांग्लादेश में उसके पीछे भी क्या पाकिस्तान? सुशील जी, सुचरिता जी, मैं यहां पर एक आपके दर्शकों की जानकारी के लिए और पैनलिस्ट के लिए कह दूं, पहले सबको नमस्कार जी, कि एक समय था जब बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और भारतीय मूल के लोग सभी दक्षिण एशियाई कहे जाते थे, साउथ एशियंस। यस। लेकिन अब समय काफी बदला है, भारतीय और पाकिस्तानी अलग अलग नजरिए से देखे जाते हैं, बांग्लादेशी पहचाने जाते हैं अलग। हमने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, क्योंकि हमारी जो यहाँ उठना बैठना है, रहने का तौर तरीका है, हमारा जो यहाँ के समुदाय में, यहाँ की इकोनॉमी में, यहाँ के परिवेश में योगदान है, उसको अब पहचाना गया है, और भारतीयों को दक्षिण एशियाई चट्टे बट्टे में शामिल नहीं किया जाता। ये समझ, ये शऊर यहाँ पैदा हुआ है, बात एक। दूसरी, यहाँ जो बांग्लादेशी मूल के निवासी हैं, बहुत अधिक संख्या में ये वो लोग हैं जो 1971 में मुक्ति संग्राम के विरुद्ध खड़े थे, पाकिस्तान के पक्ष में, और फिर भाग करके यहां आए क्योंकि उन्हें पता था कि वहां परेशान होने वाले हैं। उसके बाद भी अन्य बांग्लादेशी आए यहां, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या उन बांग्लादेशियों की है जो 1971 में यहां चले आए थे, 1971 के बाद फौरन चले आए थे, क्योंकि वो द्रोही थे उस मुक्ति संग्राम के। तीसरी बात, यहां आकर भी जो एक इस्लामिक आइडेंटिटी है वो ओवरराइडिंग आइडेंटिटी बन जाती है, वो फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश ही नहीं, सोमालिया, इराक, मिस्र और ट्यूनिशिया के साथ भी जुड़ जाती है, वो फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक हो जाती है, और फिर यहाँ वो एक बड़ा हुजूम बन जाती है। इस बार भी जो दंगे हुए हैं उसमें मीरपुर के पाकिस्तानी, पंजाब के पाकिस्तानी, सिंध के पाकिस्तानी और बांग्लादेश के पाकिस्तानी ही नहीं, बांग्लादेश के मुसलमान ही नहीं, बाकी अन्य क्षेत्रों के मुसलमान शामिल होकर के, क्योंकि ये इस्लाम के नाम पर इकट्ठा होने वाली भीड़ है, और इन्हें केवल मौका चाहिए, बहाना चाहिए। अगर सुदूर बांग्लादेश में कोई घटना हुई है, उसके विरोध में वो यहां पर गाड़ियां जला देंगे, पुलिस को पीटेंगे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। ये उद्दंडता बढ़ती जा रही है, और ये पावर प्रोजेक्शन है, ये आक्रामकता का और एक जारहाना प्रवृत्ति का, एक एग्रेसिव मेंटालिटी का प्रतीक है, और वो अग्रेसन सब पर पड़ता है। सुशील जी, ये ब्रॉडर तस्वीर यही है, क्योंकि बहुत से भारतीय मूल के लोग वहां पर हैं, और सिर्फ वहां नहीं है, वहां पर बहुत सारे, हम तो पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं विवेक जी, हम पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, और वहां पर वो जिस तरह दंगा फैला रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं तस्वीर, पुलिस दौड़ रही है,
पुलिस को दौड़ा दिया, गाड़ियों को आग लगा दी, इसको कौन सही कहेगा? इसको सही कौन कहेगा? सुशील पंडित जी, पैलेस्टीन इज नॉट एन इस्लामिक प्रॉब्लम। सऊदी अरबिया नहीं सपोर्ट करता, ना ही जितने मुसलमान देश हैं उनमें से इक्के दुक्के को छोड़ करके। पैलेस्टीन इज नॉट अ मुस्लिम प्रॉब्लम सर, ये तो पहले अपने दिमाग को दुरुस्त करिए आप और थोड़ा नॉलेज बढ़ाइए आप। पैलेस्टीन को इंडिया ने समर्थन दिया नेहरू से लेकर के वाजपेयी तक, इंक्लूडिंग डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि पैलेस्टीन इज अ ह्यूमैनिटेरियन कॉज। बट सर, डिफरेंशिएट, विवेक जी इंडिया से कंपैरिजन मत करिए, इंडिया से कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि इंडिया जो है वो पैलेस्टाइन के साथ साथ इजराइल का भी पक्ष उठाता है, वो सब देशों का पक्ष उठाता है। मुसलमानों को तो इंडिया से कंपेयर मत करिए। बांग्लादेश में मुसलमान है, पाकिस्तान में भी मुसलमान है, एक तरफ कह रहे हैं का ऐसा ही बांग्लादेश के पक्ष में, दूसरी तरफ कहते हैं सारे मुसलमान फिलिस्तीन के मुद्दे पर सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि फिलिस्तीन में उनको मुसलमान दिखते हैं, वरना किसी और मुद्दे पर ये इकट्ठे नहीं आते। सर, मानवाधिकारों का हनन सिर्फ फिलिस्तीन में नहीं हो रहा। पॉलिसी पढ़ लीजिए आप, यूक्रेन के मुद्दे पर आए ये लोग, सपोर्टर हैं तो यूक्रेन के मुद्दे का स्टैंड पढ़ लीजिए आप। क्या लंदन की सड़क, पैलेस्टीन इज नॉट एन इस्लामिक प्रॉब्लम, इट इज नॉट सपोर्टेड बाय 90% इस्लामिक कंट्रीज। उस मुद्दे पर आए, हाँ, ये आपको पता नहीं है शायद, क्योंकि अभी भी ईरान एक सपोर्ट कर रहा है उसको, अपने मुसलमान भाई दिखते हैं आपको, हर जगह पे मुसलमानों का एक दल दिखता है जो दंगे करता है। आपको इंडिया में किसी और मुद्दे पर क्यों नहीं, 85% हिंदू, क्या हम 1947 से अब तक अपने देश के प्रति ऑनेस्ट रहे? भ्रष्टाचार मिटाया हमने अपने देश को, हमने नहीं मिटा क्या? बांग्लादेशी नहीं निकले, अपनी समस्या हटाओ, पाकिस्तानी नहीं निकले, नौकरियां हम नहीं दे रहे अपने बच्चों को, पेपर हमारे लीक हो रहे हैं, ये केवल ब्लेम डालोगे मुसलमानों के ऊपर आप। अच्छा एक सेकंड, क्योंकि फिलिस्तीन, देखिए पहली बात तो मैं एक बात क्लियर कर दूं विवेक जी, जो एक पाकिस्तान कनेक्शन है अंडरलाइंग, वो बड़ा क्लियर है इसमें। और प्लीज आप यहां पर आकर डिबेट में पाकिस्तान इसको हटाइए जरा, में पाकिस्तान और मुसलमान एक मत करिए, क्योंकि मैं वो नहीं कर रही हूं, मैं वो नहीं कर रही हूं, लेकिन वो बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान वहां डिस्टेबिलाइजिंग फैक्टर है, हर जगह जाकर एक आग लगाने के पीछे पाकिस्तान है। सिंगल लीजिए जरा, एक सेकंड विवेक जी, मैं एक चीज, ताकतवर है, नहीं नहीं ताकतवर नहीं है सर, ताकतवर नहीं है, लेकिन आतंक फैलाने का एक्सपर्ट है, ताकतवर नहीं है लेकिन आतंक फैलाने का एक्सपर्ट है, हिंसा फैलाने का एक्सपर्ट है, इस बात को मान लीजिए। वरना आप अभी भी जब आतंक फैलता है तो हिंदुस्तान पर उंगलियां उठाते हैं, पाकिस्तान पर नहीं उठाते। मेरा सवाल यह है कि वो करना स्टार्ट करिए। मैं जानती हूं कि हमें भी बहुत सारे लूपहोल्स, बहुत सारे लूपहोल्स में काम करना है सर, हमें देश बतौर एक देश बहुत सारे लूपहोल्स में काम, अपनी समस्या को खुद हम टैकल करें ना, अपनी समस्या को ढकना नहीं है। सरकार पाकिस्तान बिल्कुल अपनी समस्या, बच्चों के पेपर लीक हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी के उन्हें आरोपी बोलना बंद कर दे, वो करते हैं हिंसा, वो फैलाते हैं आतंकवाद, तो वो बोलना बंद कर दे, नहीं बोलेंगे, बोलना बंद करेंगे। मैं एक बड़ी खबर भी बताऊं, उससे पहले बताती हूं जरा ग्राफिक लीजिए कि इस वक्त डोडा में जो हो रहा है, मैं डोडा पर भी आना चाहती हूं करण सिंह, बिकॉज मैं सिर्फ ब्रिटेन की और बांग्लादेश की बात नहीं कर रही हूं, हिंदुस्तान की भी बात कर रही हूं।